बिग बॉस के घर में शालिन भनोत के बाद एक और एलिमिनेशन हो गया है और वो है अर्चना गौतम का। जी हाँ, फिनाले के इतना नजदीक आने के बाद अर्चना गौतम बिग बॉस के घर से बाहर हो गई है। क्या है पूरी डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल बिग बॉस 16 का ग्रैंड फिनाले शुरू हो चुका है और शूटिंग, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि शूटिंग ऑलमोस्ट पहले से शुरू, दरअसल बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले शुरू हो गया है। आपको बता दें कि हमने आपको इससे पहले के वीडियो में बताया था कि फिफ्थ पोजीशन पे आके शालिन भनोत एविक्ट हो गए, यानी कि टॉप 5 पे आने के बाद शालिन का ये सफ़र यहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन अब कुछ सोशल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये खबर आ रही है कि अर्चना गौतम भी एविक्ट हो गई है, यानी कि शालिन भनोत के बाद एक और शॉकिंग एलिमिनेशन हुआ है अर्चना गौतम का। अर्चना गौतम चौथे मतलब कि टॉप 4 पे आके एविक्ट हुई है। आपको बता दें कि बाकी सब तो सेलेब्स थे, अच्छे खासे सेलेब्स थे। शिव ठाकरे भी बिग बॉस मराठी करके आए थे, प्रियंका भी उड़ारिया कर चुकी थी तो उनकी भी काफ़ी अच्छी खासी तगड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। तो वहीं एमसी स्टैन भी एक रैपर है तो उनकी भी एक अलग ही फ़ैन फॉलोइंग है। शालिन भनोत, उन्होंने भी बहुत सारे टीवी सीरियल्स में काम किए तो उनकी भी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है। लेकिन अर्चना गौतम जो है वो इस फील्ड में एकदम नई थी। अर्चना ने स्टार्टिंग से खेला, उन्होंने अपनी अलग फ़ैन फॉलोइंग बनाई और यहाँ तक आई। वेल प्लेड अर्चना, अर्चना ने बहुत ही अच्छा खेला और यहाँ तक आई, वो बहुत बड़ी बात है। वेल दोस्तों, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं अर्चना गौतम के इस एलिमिनेशन पे, और आपको क्या लगता है बिग बॉस का विनर कौन बनेगा, कमेंट में हमें बताएं। बिग बॉस 16 के हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें गपशप। तो